नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं पार्थिव पटेल की, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने अपने साथ जोड़ लिया। जी हां, संन्यास का फैसला लिया पार्थिव पटेल ने और उसके तुरंत बाद मुंबई इंडियंस वो टीम जिसके साथ जुड़कर पार्थिव पटेल जो है दो बार चैंपियन भी रहे हैं, मतलब चैंपियन टीम का हिस्सा भी रहे हैं। और वो मुंबई इंडियंस ही थी, क्योंकि वो दो बार जब मुंबई ने खिताब जीता तो उस टीम का हिस्सा रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह कि मुंबई इंडियंस की टीम ने जैसे ही पार्थिव पटेल ने संन्यास की घोषणा की हर फॉर्मेट से कि अब किसी तरह का कोई फॉर्मेट नहीं खेलूंगा, आईपीएल भी नहीं खेलूंगा, तो फिर उन्होंने टैलेंट स्काउट कमेटी में उनको डाल दिया है। मतलब कि अब वो अच्छे खिलाड़ियों की तलाश करेंगे मुंबई इंडियंस के लिए, ऐसे खिलाड़ी जो कि जिनमें एक फैक्टर है। जैसे एक वक्त पे जॉन राइट ने जसप्रीत बुमराह के कंधे पर हाथ रख दिया था और कहा था कि नहीं, आपको एक्शन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप इसी तरह से बॉलिंग करेंगे, रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद जैसे हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या की स्टोरी है, तो ये चीज़ें कैसे निकल कर आती है, ये चीज़ें वही लोग लाते हैं जो कि टैलेंट स्काउट कमेटी का हिस्सा होते हैं कि भैया आइए किसी नए खिलाड़ी को मौका देते हैं। जैसे नटराजन हो गए, या फिर जैसे अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग टीमों में देखने को मिलते हैं, जैसे रवि बिश्नोई थे, जैसे देवदत्त पाडिकल थे, ये सारे ऐसे बल्लेबाज या खिलाड़ी हैं जिनको टैलेंट स्काउट कमेटी की तरफ से ढूंढा जाता है। खासतौर पर जेएनके से जैसे इरफान पठान लेकर आते हैं, पिछली बार सलाम खेले थे मुंबई इंडियंस की तरफ से, और ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनको टैलेंट स्काउट कमेटी ढूंढ कर लाती है। अब यही काम जो है वो पार्थिव पटेल, क्योंकि चैंपियन टीम का हिस्सा रहे, अलग अलग आईपीएल टीम्स के लिए खेले, उनकी लास्ट फ्रेंचाइजी जो थी वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु थी, आरसीबी, हालांकि कोई मौका नहीं मिला उन्हें आरसीबी की तरफ से खेलने को, लेकिन अब जो है एक अहम रोल में उनको मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम का हिस्सा बना लिया है। कितना फ़ायदा होगा कितना नुकसान, ये तो आईपीएल 2021 के बाद पता चलेगा। क्या पता इस ही साल वो मुंबई को कोई ऐसा टैलेंट दे दें जो कमाल कर जाए। हालांकि मुंबई की टीम को इस वक्त पे आप देखें तो कहीं छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा लगता है। हाँ, स्पिन डिपार्टमेंट में क्या कुछ नया ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि वो चेंजेस करते रहते हैं, कभी मयंक मारकंडे हों, अभी आप राहुल चाहर को देख रहे हैं, तो युवा स्पिनर्स आते रहते हैं इस टीम में, लेकिन पेसर्स दे हैव द बेस्ट स्पिनर्स, आ सकते हैं एक्सपेरिमेंटल तौर पर, लेकिन बैटिंग लाइनअप तो उनकी कहीं कोई छेड़ भी नहीं सकता है, ऐसी हो रखी है इस वक्त पे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं पार्थिव पटेल किस तरह से मुंबई के लिए बेहतर टैलेंट, और बेहतर टैलेंट खासतौर पर स्पिन डिपार्टमेंट में लेकर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।